आज फाइनल राउंड यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 49.68% मतदान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 58.41% वोटिंग हुई है। झारखंड में 60.14% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 58.46% वोटिंग हुई है। उधर उत्तर प्रदेश में 46.83% मतदान हुआ। पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर 46.38% वोटिंग की गई है। ओडिशा में 49.77% मतदान हुआ है अभी तक। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, सातवां और आखिरी चरण दोपहर 3 बजे तक कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वही आपको हम बता रहे हैं। बिहार में 42%, उत्तर प्रदेश में 46.83%, पंजाब में 46%, चंडीगढ़ की अगर बात करें हम तो यहां पर 52%, झारखंड में 60%, ओडिशा में 49% मतदान दोपहर 3 बजे तक हुआ है। यह आंकड़ा अभी आगे जाहिर सी बात है बढ़ना है, लेकिन दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसका जो प्रतिशत रहा है अभी तक मतदान प्रतिशत रहा है वो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। आज आखिरी चरण का ये मतदान है, फाइनल राउंड ये है। अभी भी वोटिंग लगातार जारी है और 3 बजे तक तकरीबन 50% के आसपास मतदान हुआ है। 58.41% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक 58.41% वोटिंग अब तक हो चुकी है। अलग अलग जगह का जो आंकड़ा है वो अलग अलग है। और न्यूज 18 इंडिया के अरुण सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। अरुण, अगर पहले के जो चरण हुए हैं उससे हम आखिरी चरण की तुलना करें तो अभी तक का मतदान प्रतिशत कैसा लगता है? देखिए, अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो काफी अच्छा है और काफी एक तरह से देखिए तो उत्साह बढ़ाने वाला है, क्योंकि आखिरी फेज में जो वोटर हैं वो काफी संख्या में निकल के आए हैं। अगर पहले दूसरे तीसरे चौथे फेज की बात आप करिए उस लिहाज से अगर बात हम करें तो काफी उत्साह बढ़ाने वाला वोटर टर्नआउट है ये, और कुल मिलाकर के जो वोटर टर्नआउट है उसको भी फर्क डालेगा ये पूरे लोकसभा चुनाव 2024 का जो वोटर टर्नआउट होगा। आज जिस तरह से उत्साह से लोग आ रहे हैं और मैं बनारस में भी मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश से जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो काफी अच्छा वोटर टर्नआउट होगा। आखिरी आंकड़ा आज देर रात तक चुनाव आयोग जारी करेगा और अब चुनाव आयोग पूरे चुनाव में कितना मतदान हुआ है उसका भी एक एग्रीगेटेड आंकड़ा जारी करेगा। बिल्कुल, और चुनाव आयोग चाहता भी यही था कि लोग बढ़ चढ़कर सामने आए, तो अभी तक के आंकड़े तो अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ आज चुके आठवें चरण का, सातवें चरण का यह आखिरी मतदान है, तो अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें आ रही है वो भी हम आपको दिखा दें। बड़े नेता वीआईपी चेहरे और उन्होंने आज जाकर के जब मतदान किया तो ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा हो, अनुराग ठाकुर हो, लालू यादव हो, इसके अलावा भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी, राघव चड्ढा, अफजाल अंसारी, ये तमाम जो बड़े चेहरे आज घरों के बाहर निकले और जिन्होंने मतदान किया ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो आम हो या खास, हर किसी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी अपनी निभाई है। देश की सबसे हॉट सीट हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें जमी है। बीजेपी से उम्मीदवार कंगना रनौत की पहली तस्वीर पूजा पाठ की सामने आई। बीजेपी के दफ्तर में कंगना रनौत ने पूजा पाठ किया और वोट भी डाला, जबकि दूसरी तरफ उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे विक्रमादित्य सिंह ने शनिदेव की पूजा की। दोनों उम्मीदवारों ने अपनी जीत के लिए प्रार्थना की। कंगना रनौत ने वोट डालने के बाद बयान दिया, हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग चार की चार सीटें जो है वो। लोकसभा चुनाव के आखिरी और सातवें चरण के लिए वोटिंग बिहार की 8 सीटों पर भी जारी है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने परिवार के साथ वोट डाला। लालू यादव पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ पाटलिपुत्र के वेटनरी कॉलेज के बूथ नंबर 171 पर वोट डालने पहुंचे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भी अपना वोट डाला। पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और सबसे ज्यादा तस्वीरें भी आज पंजाब की धरती से आती नजर आई। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने अपना वोट फिरोजपुर लोकसभा सीट के लिए डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने अपना वोट गुरदासपुर में डाला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपनी पत्नी गुरप्रीत कौर के साथ वोट डालने पहुंचे।
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के लखनऊ में अपना वोट डाला। आम आदमी पार्टी के नेता और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह ने अपना वोट भी डाला और सबको वोट देने के लिए प्रेरित भी किया। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपना वोट डाला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट पर अनुराग ठाकुर ने मतदान किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट डाला और फिर बयान दिया कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रही है। जो हमारी पुरानी स्टेट्स हैं जहां हम भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, वहां हम मेंटेन करेंगे, वहां हम रिटेन करेंगे, वहाँ हमारी सारी सीटें हम जीत करके आएंगे। जो नई स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा करने वाला है, 42 सीटें हैं, हम 30 को क्रॉस करेंगे, 30 सीटें हम वहाँ से जीत करके आने वाले हैं। ममता जी बौखला गई हैं। उड़ीसा में हम 21 में से 18 प्लस सीटें हम जीत करके आएंगे। उसी तरीके से हम तेलंगाना में अपने टैली को डबल कर लेंगे। तमिलनाडु में हम सीटें जीतेंगे। हम केरल में इस बार सीट जीतने वाले हैं और वोट शेयर तो हमारा सब जगह बढ़ेगा ही। उत्तर प्रदेश से वोट डालने की सबसे पहली तस्वीर गोरखपुर से आई। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले वोट डाला। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने भी मतदान किया। अपना दल की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में अपना वोट डाला और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने वोट डाला और गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने भी अपना वोट डाला। प्रतीक त्रिवेदी और सबके मन में बस एक ही सवाल है और सवाल ये कि अब की बार किसकी सरकार को बस ये जो इंतजार है बस अब कुछ क्षणों का या कुछ देर का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। क्या इंडिया 400 पार के दावे में दम है या फिर दिल्ली की गद्दी पर इंडिया गठबंधन काबिज होगा? 4 जून को हिंदुस्तान का जनादेश आएगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। लेकिन देश का सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया आपके सारे जो भी सवाल हैं आपके मन जो सस्पेंस है उससे पर्दा आज ही उठा देगा। 4 जून का नहीं बल्कि कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए और आज ही देश की अगली सरकार बनते हुए देखिए। मैं देख रहा हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। हर साल 1,00,000 रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 बीजेपी घर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। उनका मंगल सूत्र पर उन लोगों की नजर है। तेरी माँ का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करे। पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे। उजरा हो रहा है, उजरा।
नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उसे बाहर निकालूंगा। हम बीजेपी को भी उत्तर देंगे, ये हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं 347 तक, अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे करो भाई, आ जाओ भाई। तो आपने देख लिया ये जो चुनाव थे किस तरीके से लड़े गए हैं, कैसे जनता की अदालत में ये तमाम नेता पहुंचे हैं। बस अब कुछ ही पलों बाद हम आपको एग्जिट पोल, जिसे हम कह रहे हैं एग्जैक्ट पोल है और उसके पीछे कारण है, एग्जिट पोल का पहला रुझान हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में हमने देश के 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों पर जो सर्वे किया है उसका जो रोड मैप रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए। क्या जवान, क्या किसान, क्या आम आदमी, क्या शहर, क्या गांव, क्या मैदान, हमने इस एग्जिट पोल में हर वर्ग को शरीक किया है। पोल के मुताबिक देश के लगभग 95,000 वोटरों से हमने बातचीत की है। और एग्जिट पोल के सबसे विश्वसनीय डेटा के लिए हमारी टीम ने वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, साइंटिफिक सर्वे ये किया गया, 95,000 लोगों से हमने बात की है। यहां आपको बता देना जरूरी है कि हर आंकड़े की पुख्ता जांच पड़ताल की गई है, तब हम आपके सामने एग्जिट पोल के ये नंबर्स, ये आंकड़े लेकर आए हैं। हमारी टीम के पास अभी भी आंकड़े आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जिसका गहराई से हमने विश्लेषण किया है, यानी उसका गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये एग्जैक्ट पोल है, क्योंकि ये जो नंबर आप देख रहे हैं यानी वोटरों से, जिस तादाद के वोटरों से हमने बात की है वो आपको कहीं और किसी नेटवर्क पर नहीं मिलने वाला। न्यूज 18 इंडिया देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर आया है। हमारी टीम ने चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है, जिसमें देश के हर हिस्से के हर तबके के राय शुमारी को शामिल किया गया है। क्या जवान, क्या किसान, हर एक वर्ग को हमने इसमें शामिल किया। और सबसे खास बात यह कि बहुत साइंटिफिक वे से इसको हम सामने लेके आए हैं, विश्लेषण किया है, तह तक गए हैं, मैदान तक गए हैं, पॉइंट जीरो तक, ग्राउंड जीरो तक हम हर वर्ग को इसमें शामिल किया है और तब हम आपके पास ये आंकड़े लेकर आए। देखिए यकीन मानिए ये देश का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल साबित होगा। इसको हम ऐसे ही एग्जिट एग्जैक्ट नहीं कह रहे, इसलिए हमने नाम भी दिया है एग्जिट नहीं, एग्जैक्ट पोल। आपको यहां यह भी बता दें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के हर स्टेट, हर राज्य के नतीजों की झलक आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो आइए हम अपने टीवी स्क्रीन को ऑन करते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे देश के बड़े राज्यों के आंकड़े आपके सामने होंगे, जबकि राइट साइड में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य के आंकड़े आपको देखने को इस एग्जिट पोल में मिलेंगे। देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े कभी भी आ सकते हैं, मतलब अब आप टीवी का रिमोट एक तो साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये नंबर्स अब बहुत तेजी से बदलेंगे, लिहाजा आप रिमोट को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि सबसे सटीक, सबसे तेज
नतीजों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 4 जून का आज ही हम आपको बता देंगे एग्जिट पोल जो एग्जैक्ट होंगे। बिल्कुल, और एग्जिट पोल के नंबर्स आंकड़े हम आपको दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें कि इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज का मसला सबसे ज्यादा विवादों में रहा है इस बार की वोटिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देश में 7वें दौर का मतदान चुकी चल रहा है। पिछले 6 चरणों की अगर बात करें तो देश में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा और 2019 से देश में कितना कम या फिर ज्यादा मतदान हुआ है, उसे जानने के लिए आपको एक बार हम इलेक्शन वॉर रूम लेकर चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी सबीना तमांग मौजूद है। सबीना, वोटिंग परसेंटेज पहले से लेकर अब तक कितना उतार चढ़ाव, दर्शकों को एक बार आप बता दें। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि आखिर परसेंटेज किस तरह से चरण के हिसाब से अब तक सामने आया है। 7वां आखिरी चरण इस वक्त जारी है, लेकिन इस वक्त हम आपको बताएंगे कि कितने प्रतिशत कम मतदान हुआ है। पहला चरण 2019 का आंकड़ा आपके सामने मौजूद है, 59.50% यहां पर मतदान हुआ था, वोट प्रतिशत ये था। वहीं साल 2024 का आंकड़ा भी आपके सामने है, 66.14%, यानी अंतर देखिए -3.36, यानी कि 3.36, ये पहले चरण का वो अंतर है जो कमतर आंका गया। अब दूसरा चरण, यहां पर बस दूसरा चरण भी अब आपको दिखाएंगे प्रतिशत के हिसाब से यहां पर, लेकिन कुछ ही पलों बाद 7वें फेज का चुनाव जो है वो खत्म हो जाएगा। ये पूरा जो चुनाव है ना, करीब 44 दिनों तक चला है, और इस दौरान वोटिंग परसेंटेज को लेकर खूब जो कंट्रोवर्सी है वो यहां पर सामने आई है। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि किस फेज में आखिर कितना प्रतिशत यहां पर मतदान हुआ है। हम आपको तीसरे चरण का बता रहे हैं, अंतर देखिए 2.72% आया है, यानी साल 2019 में यह रहा किस तरह से 68, और उसके बाद इस बार कम यहां पर आंकड़ा देखा गया। चौथा चरण देख लीजिए, 2019 में 65.51%, और वहीं पर 2024 में 59.16% आया है, यानी यहां भी कमतर आंका गया है। और पांचवा चरण भी इस वक्त आपके सामने है, यह भी यहां पर माइनस में जाता है 1.696, यानी कि यहां पर परसेंटेज भले ही कम है लेकिन थोड़ा कम नजर आता है, पर यह भी संकेत जो है यह बताता है कि वोट प्रतिशत किस तरह से कम है। छठा चरण, अंतर यहां पर -1.03 का, यानी कि 1.03, और आपके सामने है आंकड़े, साल 2019 का आंकड़ा, साल 2024 का आंकड़ा देख लीजिए, 64 और 63, यानी कि यहां पर भी कमतर नजर आता है। सातवां चरण क्योंकि अभी चल रहा है, लेकिन 3 बजे तक का हम आपको ये वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं, साल 2019 का 65.15% और 2024 का 49.68%। इस चरणों के हिसाब से, फेज के हिसाब से दिखाने का मकसद यही है कि दर्शकों तक ये समझ आ सके कि किस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज है वो जनता का रुझान बताता है, उनकी भूमिका यहां पर बताता है। लेकिन एक बार फिर से मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बस थोड़ी देर का इंतजार, पहला रुझान आने लगेगा। एम्बागो आप समझते हैं, अभी चूंकि वोटिंग चल रही है, जैसे ही उस वोटिंग पर पूर्ण विराम लगेगा, थोड़ी देर में न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल हम आपको दिखाएंगे। 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने देश में चुनाव की घोषणा की, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विपक्ष ने ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। लेकिन ये जंग यहीं पर खत्म नहीं हुई, चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, वोटिंग परसेंटेज को देरी से क्यों जारी किया जा रहा है, इस बात को लेकर भी कोर्ट का दरवाजा विपक्ष ने खटखटाया। और लेकिन बात यहीं तक नहीं रही, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने पर भी सवाल आए गए। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड, ठीक है, हम विश्वास रखते हैं, ये नहीं कहते कि हम विश्वास में विश्वास नहीं है। परिणाम आते ही मोदी जी 400 पार करेंगे, भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी, और राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं, वरना हम तो चुनाव जीतने वाले। और देखिए, हर किसी का दिल धक धक कर रहा है, और इसीलिए जो लोग यहाँ पर जनता की अदालत में उतरे हैं, जो पार्टियां उतरी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है। बड़ा पैनल मेहमानों का है, केसी त्यागी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शायना एनसी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनफैक्ट माफ कीजिएगा, शायना एनसी भारतीय जनता पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव,
और मुख्य जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, शायना माफी चाहती हूँ, राजकुमार भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल आपको आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नजर आ रहे हैं, शुभ रास्ता राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, कंचना यादव अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, आरपी सिंह साहब भी आपको दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ, विवेक श्रीवास्तव है राजनीतिक विश्लेषक, लेफ्ट की बातें मुखर तौर पर रखते हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजनीतिक विश्लेषक युवराज पोखंडा भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, शुरुआत आपसे करें, करिए ना, बताइए किसको कितना कैसे। इसके लिए तो हमें 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, भले ही आप एग्जैक्ट कहे, और एग्जैक्ट तो कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से जो फाइनल नहीं हो। मोटी बात यह है कि सबसे जो बड़ी चीज है कि इतना तापमान बढ़ता गया और इसे निजात मिल गया चुनाव से। भाई आपके पीछे तापमान देख लीजिए, अग्नि अंगारे सब चल रहा है। देखो हमें तो उस पर नहीं चलना, लोगों की लाइन तो कम लगेगी ना, अब खाई जीत हार वाले लगाएंगे लाइन, कोई प्रोटेस्ट में लगाएगा, कोई जीत में लगाएगा, तो स्वेच्छा से है, लेकिन इतना लंबा चुनाव इतनी गर्मी में इसे निजात मिला, इसके बाद भी अभी अभी टाइम बाकी ही है। लेकिन ये चुनाव जो मैं समझता हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा इसमें लिबर्टी लूँगा, मैं मानता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ा, चाहे उनके जो न्यायपत्र हो चाहे जो भी हो, उसने वो नहीं, बात जो हमें भारतीय जनता पार्टी में दिखा वो ये दिखा कि लगातार वो मुद्दा बदलते गए, स्ट्रेटजी के तहत बदला होगा, लेकिन एक मुद्दे पर टिके नहीं। सिंह साहब बिल्कुल सही बात विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एक पर जो हवा नया कहा जाता, मोटा मोटी एक अंदाजा बता दीजिए आपका, फिर देखने में बाकी तो आंकड़े बता, देखिए अगर मोटा मोटी बता दीजिए बस एक बार। देखिए मोटा मोटी मैं मानता हूं, मेरा ऐसा अपना अनुमान है कि सरकार बीजेपी की और बीजेपी की एनडीए की ही बननी चाहिए, लेकिन उनकी सीटें कम होंगी। अभी एग्जैक्ट पोल तो आप देंगे ना, हम कहां से देंगे। अच्छा सीटें कम होंगी मतलब सरकार बन रही है, सतीश के सिंह जो बता रहे हैं, मेरा ऐसा अनुमान है। और ये क्या, क्योंकि एक और कारण सुन लीजिए वो भी। जी 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 हाँ हाँ। देखिए INDIA गठबंधन बहुत देर से बना, बहुत जगह बन भी नहीं पाया, ममता कहाँ है पता नहीं, आज मीटिंग भी हो रही है। विश्लेषण के लिए तो बहुत टाइम है, पहले मैं आपको पूरा मौका दूंगी, इनफैक्ट पैनल में पहले एक बार सबके पास चला जाए, एक बार सबके पास। केसी त्यागी साहब सबसे वरिष्ठ हमारे साथ पॉलिटिशियन है, केसी त्यागी साहब ये बताइए 400 का लक्ष्य रखा था प्रधानमंत्री ने एनडीए के लिए, तो आपको लगता है 7 चरणों में जो चुनाव हुआ है उसके नजदीक पहुंचेगा एनडीए? मैं पहले आपको और पैनलिस्ट को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो भारत का लोकतंत्र है वो बहुत परिपक्व है। पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहां चुनाव हुए हैं, पहले प्रधानमंत्री जेल में, पड़ोसी मुल्क म्यांमार है जहां की निर्वाचित प्रधानमंत्री, जिनके गिरफ्तारी की रिहाई के लिए मैंने भी धरना दिया था जॉर्ज साहब के साथ, आन सान सू की, वो जेल में हैं। अभी ताज़ा चुनाव हुए बांग्लादेश में, सब समूचा विपक्ष जेल में था और चुनाव हो गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी सुरक्षित हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी सुरक्षित हैं। तो एक तो ये लोकतंत्र जो मैच्योर हुआ है, परिपक्व हुआ है, जिसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी थी, एक तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद इसके लिए करना चाहता हूँ। आपको भी। दूसरा, इसी महीने सतीश के सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं, मैं इनको स्मरण कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। अब से 24 दिन बाद 25 जून को देश ने एक ऐसा मंजर भी देखा था, अब से 50 साल पहले, जब सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, सारे नेता बंद हो गए थे इंक्लूडिंग मैं भी, और सारी नागरिक आज़ादी बंद हो गई थी, और जो चारों पैनलिस्ट बंद यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये उस समय होते तो ये भी बंद हो गए होते। तो इतना कारगर जो लोकतंत्र है, एक तो मैं उस पर गौरवान्वित महसूस करता हूँ, नंबर एक। नंबर दो, इसमें संदेह नहीं है, बहस हो सकती है कि एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, नंबर दो की पार्टी कांग्रेस हो
ये मैं इसलिए चाहता हूँ कि विपक्ष मजबूत हो, चूँकि पिछले दो बारी से नेता प्रतिपक्ष भी देश के अंदर नहीं है, जो किसी भी लोकतांत्रिक पद्धति और परंपरा के लिए स्वस्थ लक्षण नहीं है। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी के इतने सांसद नहीं आए, उससे पिछली बार भी कांग्रेस के इतने सांसद नहीं आए। ये भी मेरी इच्छा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी कम से कम 55 का आंकड़ा जरूर पार करे, 100 तक भी चली जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 100 तक चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर जो आपने जिक्र किया केसी त्यागी जी कि सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री जेल में नहीं है और ये सारी चीजें, विपक्ष यही कह रहा है कि कल को मोदी जी पीएम बन गए तो विपक्ष को, सारे विपक्ष को जेल में डाल देंगे। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आपसे मेरा सवाल, स्वागत है सर आपका, नतीजे कुछ भी हो सहर्ष स्वीकार किया जाएगा, बस इतना अगर आप बोल सके आज, नतीजे कुछ भी हो सहर्ष स्वीकार किया जाएगा, फिर कोई किसी की इज्जत खतरे में नहीं आएगी, ईवीएम वीएम ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं भाटी जी? नहीं, ये तो आप एक ऐसी बात कह रहे हैं, सहर्ष तो स्वीकार किया ही जाएगा और करना भी चाहिए, लेकिन आदरणीय केसी त्यागी जी ने जो कहा वो पार्टी में किसी में भी हो, एनडीए में हैं वो, हम उन राजनीतिक तौर पर हम उनके विरोधी हैं, लेकिन वो बहुत ही परिपक्व और बहुत ही विचारशील व्यक्ति हैं और बहुत शानदार बातें करते हैं, मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, बहुत सीखता हूँ। मैं ये उनकी बात से सहमत हूँ कि भारत के लोकतंत्र पर हमें गर्व होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, इराक, दूसरे देशों को जब देखते हैं, पूरे मध्य एशिया को, तो हमें गर्व होता है अपने लोकतंत्र पर। लेकिन हमें जो चिंता जाहिर करते हैं उसका थोड़ा सा संकेत ये है कि माना आज हमारा कोई प्रधानमंत्री जेल में नहीं है, लेकिन दो दो चुने हुए निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल में हैं, ये भी तो चिंता की बात है। तो खैर, वो अब चुनाव हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं, उन राजनीतिक मुद्दों को उठाने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि एग्जिट पोल कुछ भी कहें, जो आज एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे अब 6 बजे के बाद, वो कुछ भी कहें, लेकिन हमारे अपने जो सर्वेक्षण हैं और अपना जो हमारा एग्जिट पोल है, हम इस बारे में पूरी तरह संतुष्ट है कि सरकार बदलने जा रही है, एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें कम हो रही हैं कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे डिबेट में आने से। आपको कांग्रेस ने मना नहीं किया कि क्यों जा रहे एग्जिट पोल की डिबेट में, मतलब इंडिया का कोई भी प्रवक्ता डिबेट में नहीं जाए, ऐसा कुछ हुई थी बात, आपको मना किया वो? नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन का ये निर्णय नहीं था, ये कांग्रेस ने अपना निर्णय लिया है कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल पे हमें भी कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल केवल देखिए, मैं बहुत अमन जी बहुत माफी के साथ, पार्टी जी सुनिए ना, इसके लिए आपके हम लोग शुक्रगुजार हैं कि लोकतंत्र को आपने हमेशा मजबूत ही रखा है। मैंने नहीं देखा कि आपने कभी कहीं किसी का किसी चीज का बहिष्कार किया हो, आपको चाहे एग्जैक्ट पोल के नतीजों को लेकर नाराजगी हो कि आप उसे पसंद करें, आप आते हैं अपनी बात रखते हैं और हम आपको मंच देते हैं, ये दोनों तरफ से कम्युनिकेशन। रूबिका एक बात कही है, राजकुमार भाटी जी ने, जरा मैं उनसे पूछूंगा, अगर आपके फेवर में आते हुए दिखे एग्जिट पोल में नतीजे, तब भी आप यही बात पे कायम रहेंगे भाटी साहब? मैं देखो ईमानदारी से कह रहा हूँ, एग्जिट पोल के सैंपल इतने छोटे होते हैं और इसकी जो प्रणाली है वो बहुत अवैज्ञानिक है, वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, इसलिए इनके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होते नहीं है, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे किसी और के पक्ष में हो। सर इसीलिए एक बार फिर से मैं बता देना चाहती हूँ, प्रतीक आपकी इजाजत से, 11 भाषाओं में सवाल पूछे गए सर, ये छोटा मोटा एग्जिट पोल नहीं था, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में गए, वहीं सैंपल साइज पकड़ लिया और वहीं लोगों से बातचीत कर ली, 11 अलग अलग भाषाओं में लोगों से, वोटर्स से सवाल पूछा गया है और सैंपल साइज 96 करोड़ मतदाता हैं और 96,000 वोटर्स है, ये हमारा सैंपल साइज है और इसीलिए हम इतना भरोसे से कह सकते हैं कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये एकदम सटीक नजदीक जो है एग्जैक्ट बैठने वाले हैं। प्रतीक, मुझे मालूम है भाटी साहब के दिमाग में सवाल तुरंत आएगा कि कितने कुल वोटर थे और उसके बाद 96,000, तो यकीनन सवाल आएगा, मुझे मालूम है भाटी साहब के पास दिमाग में ये बात आएगा और आना चाहिए, ये बिल्कुल दिमाग में बात आना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन शाइना बड़ी देर से बैठी है पैनल पे और वो बहुत बारी का इंतजार कर रही है, लेकिन जैसा कि विपक्ष ने कहा शाइना कि सीटें बहुत कम हो रही हैं, एक मोटा आकलन आपका इससे पहले कि मैं, क्योंकि कुछ ही देर में बस आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे, तो मैं शाइना के पास जाना चाहता हूँ कि आपका पहला खासतौर से पूरे आंकड़ों को लेकर कितना है, जो क्योंकि कहा जा रहा है कि कम हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं,
प्रो इनकमेंसी है। माफी के साथ, माफी के साथ इसलिए रोक रही हूँ कि बस एक बड़ी खबर आ गई, फिर आप बात जारी रखिएगा। इंडिया गठबंधन की जो आज अहम बैठक होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक शुरू हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल भी बैठक में पहुंचे हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, तब ममता नहीं है, वैसे ममता बनर्जी नहीं है इस बैठक। उन्होंने कहा है अमन, उन्होंने कहा है कि चूंकि मेरे क्षेत्र में चुनाव है, आज पश्चिम बंगाल में आज चुनाव है, साथ ही तूफान का भी उस वक्त जिक्र किया था उन्होंने कि उसको लेकर भी कुछ कारण है। ठाकरे नहीं है। अच्छा, वैसे बैठक में लोकसभा चुनाव की मतगणना पर चर्चा होगी। ममता बनर्जी, जैसा मेरे दोनों साथी कह रहे हैं प्रतीक, उन्होंने बैठक से दूरियां बनाई और एक्सक्यूज ये दिया है कि भाई हमारे यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। बात यह है कि अगर वो नहीं है तो उसका भी एक कारण निकाला जाता है, लेकिन जैसा कि पंकज कह रहे हैं कि उन्होंने अपना रीजन मुझे बताया है कि इस वजह से है, लेकिन बैठक जाने से इनकार कर चुकी है वो, और ये बात सही। ये भी उन्होंने कहा कि सरकार बनी तब भी बाहर से ही समर्थन दूंगी, शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन बंगाल के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहा, मैं खुद दौरा करके आया हूँ लंबा बल्कि, और मुझे लगता है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि पिछली बार भी चमत्कार हुआ था वहाँ पे, और पैनल में सारे लोग बैठे हैं और अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। और क्या हो रहा, शाइना की बारी थी, वही बोल रही थी और बीच में आपने उनको रोक दिया था बड़ी खबर की वजह से, और यकीनन अब उनके पास चलना चाहिए। बड़ी खबर वाला सवाल भी पूछ लीजिए उनसे। जी बिल्कुल शाइना, आप बोलिए। तो मैं बोल रही थी ये इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, और शायद इसके ऊपर विश्लेषण करना चाहिए कि क्यों। क्योंकि हमारे पास देश के सर्वप्रथम सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी, जिन्होंने लाभार्थियों के लिए इतना काम किया, जो आज 60 करोड़ परिवार जुट गए हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व से, तो वो क्यों? क्योंकि एक तरफ महिला है एक वोट बैंक, एक तरफ युवा है एक वोट बैंक, एक तरफ बुजुर्ग है वोट बैंक, एक तरफ है गरीब वोट बैंक और एक तरफ है किसान वोट बैंक। और ये सभी वोट बैंक्स ने देखा है कि आयुष्मान भारत हो, जहां 55 करोड़ परिवारों को 5 लाख मिला है, या 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला मिला है, या फिर 13 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, या फिर आयुष्मान भारत के निमित्त हमने देखा कि हमारे सीनियर सिटीजन्स को राहत मिली है। तो एक तरफ आपके पास था फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स, और दूसरे तरफ है एक नेता जो बोल रहे हैं कि आपको शिक्षित सुरक्षित आत्मनिर्भर करना है। और शायद इस वजह से हमें बिल्कुल उम्मीद है, ना सिर्फ एग्जिट पोल से लेकिन 4 जून में इतिहास बनने जा रहा है। दूसरी तरफ मैं एक इंडिया अलायंस की बात, चाइना आपको बीच में रोक रहा हूं, में उनको पता ही नहीं, चाइना मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मैं छोटे छोटे सवाल लेकर आगे बढ़ाते जा रही हूं, उसे गति भी रहेगी। आरपी सिंह साहब बैठे हैं, जैसा कि चाइना कह रही है सिंह साहब, तो फिर चुनावों में मां का और ना का बड़ा प्रयोग हुआ। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब ने कहा कि हमने ना से शब्द चला, न्याय हमने बात की, 5 न्याय की बात करी, और बीजेपी ने मां से बात शुरू करी, मछली मटन वगैरह वगैरह, मंगलसूत्र जी, मुसलमान जी जी। सिंह साहब एक बहुत छोटा रिएक्शन। जी जी, मैं उनके मैनिफेस्टो से पढ़ देता हूँ कितना उन्होंने न्याय की बात करी, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि न्याय की कितनी चर्चा है। कांग्रेस विल इंश्योर दैट लाइक एवरी सिटीजन माइनॉरिटीज हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस, फूड, लैंग्वेज एंड पर्सनल लॉस। अब बता दीजिए, शहना बैठी है, बहना बैठी है, रूबिका बहन बैठी है, पर्सनल लॉ का मतलब क्या होगा कि चप्पल तलाक वापस आएगा और जो शरीयत और देश में लागू होगी, ये पर्सनल लॉ है। अब न्याय, अब माँ की बात किसने करी, हमने करी या उन्होंने करी? हमने तो नहीं करी माँ की बात, ये उनके मैनिफेस्टो में। अगर आप आगे जाएं तो मैं उनके मैनिफेस्टो से अगला पार्ट एक और पढ़ देता हूँ, जहाँ वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट है वो भी ये सोच कर तय की जाएगी। ये मैं पढ़ देता हूँ आपको, वी प्रॉमिस दैट सेंट्रल अटॉर्नी के दैट हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं और हाई कोर्ट के अंदर जजेस हैं वो हम माइनॉरिटी कमिटी से अपॉइंट करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। बीजेपी को मार्क्स बता दीजिए ना, 4 ये 5। तो जब आप मार्क्स की बात करेंगे तो विवेक जी के पास क्यों नहीं जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन एक बार आंकड़ा तो बता दीजिए ना, और फिर श्रीवास्तव भी वहाँ पर मौजूद है, विवेक श्रीवास्तव भी, पहले ऐसा करते हैं आंकड़े बता दीजिए। सिंह साहब बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से।
जी जी मैं जो कह रहा था कि हमने तो हमेशा बात रखी किस प्रकार से 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर हमने कवर किया, हेल्थ इंश्योरेंस दी। हमने बात रखी 14.25 करोड़ लोगों को किस प्रकार से हमने इंश्योर किया जल से जल जो है नल के माध्यम से मिले। हमने इंश्योर किया कि किस प्रकार से 4 करोड़ बहनों को या लोगों को सिर पे छत मिले, और आगे प्रॉमिस किया 3 करोड़ के लिए 70 साल की उम्र के आगे लोगों के लिए हमने आयुष्मान भारत की बात करी। हमने बात करी किस प्रकार से 10 करोड़ बहनों को हमने गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पे किया। हमने इस बार में बात करी, हमने किसान सम्मान निधि की बात करी। आपने जो बात की उस पर वोट पड़ गया प्रभु, हम तो ये कह रहे हैं अब जो बात की थी उसका आंकड़ा क्या आ रहा है। विवेक जी सवाल आपसे ये भी है कि देखिए जनता सबसे ज्यादा समझदार है, समझाने की कोशिश दोनों दलों ने की है, एनडीए ने भी की है, इंडिया ने भी की है, लेकिन जनता को समझ कितना आया है वो जनता बताएगी। समझाने वाला कौन था, ये भी तो है उसमें सवाल। नहीं देखिए, पहली तो खुशी की बात है कि कम से कम आरपी सिंह जी ने मार्क्स वर्ड बोला, रूबिका जी ने भी मार्क्स बोला। कार्ल मार्क्स बोल देते तो मैं और गदगद हो जाता। अगर कार्ल मार्क्स बोलते थे तो मैं और खुश हो जाता। देखिए मुझे जैसे ही मार्क्स बोला मुझे आपकी ध्यान आया बिल्कुल पैनल में इशारा। जैसे ही उन्होंने मार्क्स बोला मेरे कान वान सब खड़े हो गए, मैं खुश हो गया। अच्छा अब दूसरी बात है पंकज भाई से, जैसे हमारा रियली सॉरी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर है। कल दोपहर 3 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून तक के लिए रिजर्व कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, तिहाड़ जाना होगा, अब कल सरेंडर करना होगा। 3 बजे सरेंडर करेंगे अरविंद केजरीवाल। बोलिए आप विवेक जी, कंप्लीट कर लीजिए। बड़ी खबर दी है अभी देखिए। अच्छा पहली चीज तो ये, पंकज जी से मेरी बात चल रही थी जैसे ही मैंने एंटर किया था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने सूत्र जिनके ऊपर पंकज जी का ज्यादा विश्वास नहीं है उनसे फोन पे बात करी। हमीरपुर की सीट मेरे दोस्त पंकज जी वो भी अटकने के चांसेस हैं, ये पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे अपने सूत्रों से मैंने अटक रही है। हाँ तो नहीं वो क्यों, अच्छा उसका रीजन भी बता देता हूँ। उसका कारण जो मैंने पता किया मेरे सूत्रों से वो ये है कि चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों वहीं से उसी क्षेत्र से हैं और बहुत बड़ी ताकत अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने वहां पे लगा रखी है। अभी आप विषय पे रहिए ना, जरा आपसे बात है। नहीं ये तो पंकज जी से डिस्कशन था तो मैंने बोला। रुकिए एक सेकंड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभु, अभी तो चुनाव चल रहे हैं ना, अभी रुक जाइए ना, आप कहां से प्रभावित कर रहे हैं, ये कार्ल मार्क्स करते करते आप उसी धारा की तरफ बहते हुए जा रहे हैं। हमारा तो डिस्कशन था तो मैंने डिस्कशन नहीं कीजिए ना, अभी जी 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 जी। अच्छा अब जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, मेरे हिसाब से देखिए इंडिया अलायंस की तरफ से अगर मैं सोचूं, मैं बोलूं जिसके साथ मेरी भावनाएं हैं, तो हम भी 400 पार बोलेंगे, लेकिन एक रियलिस्टिक बोला क्यों नहीं भाई मैंने, क्योंकि अनरियलिस्टिक बातें बोलने से हवा क्रिएट करने से आपने 400 बोला, आरपी सिंह हंसने लग गए। नहीं अब वो सुन लीजिए ना, वो पीआर एजेंसीज बीजेपी की, उनका आईटी सेल एक हवा क्रिएट करने के लिए 400 पार जरूर बोले ना, राम मंदिर का मुद्दा रहा ना 400 पार होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कांग्रेस के लिए कहा था ये, हाँ बहुत, और मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह, मैं इंडिया अलायंस की तरह नहीं बोल रहा, कांटे की टक्कर होगी। सिंह साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये कह रहे हैं एडवांटेज बीजेपी, मैं कह रहा हूँ एडवांटेज इंडिया अलायंस, और कांटे की टक्कर होगी ये भी मैं आपको बता। मोदी जी 400 पार नहीं हो रहे, विवेक जी इंडिया 100 पार 200 पार 300 पार कितना, ये बता दीजिए। देखिए आप अपनी बात करिए ना, नहीं भावनाओं में कहेंगे तो ये कहते हैं 400 पार, तो हम भी कह देते हैं 400 पार, अब दोनों को 400 पार, रियलिस्टिक बात थोड़ी ना है, तो रियलिस्टिक बताइए ना सर। नहीं रियलिस्टिक बता दिया, कांटे की टक्कर होगी सर, कांटे की टक्कर होगी, मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस एडवांटेज है। सतीश के सिंह बहुत वरिष्ठ है, मुझसे बहुत सीनियर है, इनके हिसाब से बीजेपी एडवांटेज। सुनिए देखिए आप दोनों की बात मान ली, दोनों की बात मान ली, अब आपको जनता की बात माननी होगी। सिंह साहब रुकिए एक सेकंड, मेरे दो और मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं ना, शुभ्रास्ता भी मौजूद है, शुभ्रास्ता ग्राउंड जीरो पर लगातार रही है, बहुत सारे कैंपेन्स का वो बैक जिसे कहते हैं ना कैमरा के बिहाइंड कैमरा वो हिस्सा रही है, स्ट्रैटेजीज बनाती रही है। शुभ्रास्ता सच्ची बताइए, ग्राउंड जीरो से क्या भाप कर लाई है? म्यूट है आप, अभी मेरी आवाज जा रही है? ठीक है शुभ्रास्ता अब आ रही है जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आप लोगों को भी मेरा नमस्कार। रूबिका जी मेरा आकलन यही है कि 2019 में और 2024 में मैं कोई खास अंतर नहीं देख पा रही, मैं यही देख रही हूँ कि भाजपा ने जितनी सीटें पिछले इलेक्शन में जीती थी कमोबेश वो इस इलेक्शन में भी उतनी ही सीटें जीतेगी और बहुमत भाजपा की जरूर रहेगी। अब कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकता है हो
जिसमें वो उसका प्रदर्शन कमजोर हो वो सीटें हारे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो मेकअप हो जाएगा क्योंकि ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर लगातार काम करने की वजह से वो जीतने की संभावना दिख रही है। मैम आप चाहें तो मैं स्टेट बाय स्टेट चल सकती हूँ कॉन्वर्सेशन के, लेकिन शायद वो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इनिशियल कमेंट ब्रेक के बाद ले लीजिएगा। ब्रेक के बाद बता दीजिएगा स्टेट वाइज, तो ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक के बाद रास्ता जी बता दीजिएगा स्टेट वाइज, तो अभी तो बहुत लंबा सफर है, आंकड़े भी बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। जो रूपिका जी बिल्कुल इंतजार बस कुछ ही पलों का है और ये एग्जिट पोल का पहला जो नतीजा है 543 सीटों में से आपके पास आने लगेगा। फिलहाल जो पिछली बार का आंकड़ा था वो आपके सामने है 2019 का, इन्हीं आंकड़ों को मन में बसाइए। अब 303 पार होता है कि मामला उस पार होता है। रुक रहे कुछ देर के लिए, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।